आज की इस वीडियो में मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसमें एक जॉम्बी लड़की एक इंसानी लड़के के साथ प्यार कर बैठती है और इसके बाद क्या होता है ये तो आप लोगों को एपिसोड देखने से ही पता चलेगा। और ये एक कॉमेडी, रोमांस, इची, हॉरर, सुपर नेचुरल और शोनेन जेनर का एनिमे है। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा रात हुई होती है और एक बहुत ही बड़ा खाली घर में एक लड़का कुछ कर रहा होता है और यही इस एनिमे का मेल प्रोटैगनिस्ट होता है। तभी उसको किसी की चलने की आवाज आती है और हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि चलकर यहाँ पर ही आ रही होती है और ये लड़की इस एनिमे का फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है। फिर वो लड़की चलते चलते एक कुएं के पास आती है और वो जो लड़का वो बिल्डिंग के ऊपर से खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद ये लड़की अपना भड़ास को निकालने के लिए कुएं के अंदर बहुत ही जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि नहीं, और यही पर ही सीन कट होता है और हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जोर से चिल्ला रही होती है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए होते हैं। फिर हमें वही लड़के को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ टीवी पर देख रहा होता है और वो लड़का बोलता है, मेरा नाम फुरुया चिहुरू है और मैं अभी हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ और मुझे हमेशा से ही ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हमें चिहुरू के कमरे के अंदर दिखाया जाता है कि उसके पास ज़ॉम्बी के सारे मर्चेंडाइज, वीडीज और बहुत सारे खिलौने भी है। और चिहिरो ये भी बोलता है, मैं हमेशा से सपना देखता हूँ कि मेरे साथ एक जॉम्बी लड़के का एक रोमांटिक एनकाउंटर हो। देन अगले सीन में चिहिरो स्कूल में होता है और ये सब कुछ वो अपने दोस्तों को बोल रहा होता है और उसके दोस्त बोलते हैं, तुम्हें उसमें क्या क्या पसंद है। और चिहिरो का और एक दोस्त बोलता है, शायद चिहिरो को उनके ऊपर दया आती है। इसके बाद चिहिरो बोलता है, मुझे जॉम्बीज पसंद है और मुझे नहीं पता कि मेरा जो ये फीलिंग है ये क्या है। फिर हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है और चिहिरो बोलता है, मेरी फैमिली टेम्पल को चलाती है और ये आदमी मेरा ग्रैंडफा है और इनका नाम जोगोरो है और ये मेरे डैड है, इनका नाम डोन है और ये इस टेम्पल का हेड प्रीस्ट है और ये मेरी 12 साल की बहन है और इसका नाम मेरो है। मेरा डैड सिर्फ सुबह का ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बाकी का सारा घर का काम मेरो करती है। और ये जो बिल्ली है इसका नाम बाबू है। ये बिल्ली एक सड़क की बिल्ली हुआ करती थी लेकिन एक दिन ये हमारे टेम्पल में आई जिसके बाद ये भी हमारे एक फैमिली का मेंबर हो चुकी है। लेकिन मेरी जो मॉम है वो बहुत साल पहले चल बसी थी जब मैं छोटा था और अब तो मुझे ठीक से याद भी नहीं है। और चिहिरो ये भी बोलता है, इसके बावजूद भी मुझे मेरी फैमिली एकदम कंप्लीट लगती थी और एक हैप्पी फैमिली लगती थी। लेकिन एक दिन अनजाने में हमने हमारा एक फैमिली मेंबर खो दिया और हम देख पाते हैं जो बाबू है उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और बाबू वहीं पर ही मर जाता है जिसके वजह से चिहिरो कुन बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। फिर वो लोग मिलकर घर के पीछे बाबू के लिए एक ग्रेव बनाते है और उसके लिए प्रेयर भी करते है। देन अगले सीन चिहिरुकुन बेड पर लेटा हुआ होता है और वो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि अगर कोई लिविंग थिंग का प्रीमैच्योर डेट हो जाए तो इतना ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। असल में चिहिरुकुन मान ही नहीं पा रहा होता है कि बाबू का डेथ हो चुका है। इसके बाद चिहिरु के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने कबर्ड में कुछ ढूंढने लगता है और उसको वो चीज मिल भी जाता है जो कि एक किताब होता है और ये किताब बहुत ही साल पुराना होता है और उस किताब में किसी भी मरे हुए प्राणी का जिंदा करने का एक नुस्खा भी लिखा हुआ होता है। फिर चिहिरु बाबू को उसके ग्रेप से निकालता है और उसको एक बॉक्स में रख कर साइकिल लेकर किसी जगह जाने लगता है और फिर वो एक घर के सामने रुकता है जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है और वो बोलता है, मुझे यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बाद चिहिरो वहाँ पर उस नुस्खे को ही बनाने लगता है। तभी वहाँ पर उसको वही लड़की की आवाज आती है और वो खिड़की से उस लड़की की तरफ चुपके से देखता है और दूसरी तरफ वो लड़की कुएं के अंदर अपना भड़ास को निकालती है। और यही पर ही सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चिहिरो जो है वो सोकर उठता है। फिर वो एक बकेट में बहुत सारा आइस लेता है। तभी वहाँ पर मेरो आती है और बोलती है कि भैया अब बर्फ लेकर क्या करोगे। चिहिरो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि कुछ नहीं और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और मेरो बोलती है, डाल में कुछ तो काला है। इसके बाद चिहिरो बाबू के बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए सारा बर्फ को बाबू के बॉक्स के अंदर रख देता है। इसके बाद चिहिरो और उसके दो दोस्त स्कूल जा रहे होते है और उसका एक दोस्त बोलता है, चिहिरो क्या तुम्हें पता है इस नदी के उस पर संका गर्ल्स एकेडमी है। इसमें चिहिरो बोलता है कि तो इससे मैं क्या करूं। उसका दोस्त बोलता है, मैं क्या करूं मतलब क्या तुम्हें पता है उस स्कूल में कितने सारे हाई क्लास और सुंदर लड़कियां जाती है और वही दूसरी तरफ हमारे स्कूल को देखो जहाँ पर सिर्फ लड़के पड़े हुए हैं। और संका गर्ल्स एकेडमी के लिए इस साल बहुत ही ज्यादा खास है। चिहिरो बोलता है कि क्यों। उसका दोस्त बोलता है कि ओ देखो वो लंबे बालों वाली लड़की ओ संका गर्ल्स एकेडमी के हेडमास्टर की बेटी है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ठीक यही पर ये सीन कट होता है। फिर हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चिहिरो के घर पर कुछ शॉपिंग करके लाई होती है और इस लड़की का
का नाम रैंको होता है और चिहरू के डैड रैंको को थैंक यू बोलते हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर रैंको पूछती है कि वैसे अंकल चिहरू कहाँ पर है। चिहरू के डैड बोलते हैं कि वो ऊपर सो रहा है, बाबू के मरने के बाद वो कुछ ऐसा ही हो गया है। इसके बाद रैंको चिहरू के कमरे में आती है और उसको एक डीवीडी लौटाती है जो कि उसने चिहरू से उधार लिया था और ये एक ज़ॉम्बी का डीवीडी होती है। फिर वैंको चिहरू को सताने लगती है और चिहरू वैंको से पूछता है, क्या तुम शंका गर्ल्स एकेडमी के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट शंकर रिया को पहचानते हो। वैंको बोलती है कि हाँ मैं उसको पहचानती हूँ। चिहरू बोलता है कि वो कैसी टाइप की पर्सन है और वैसे भी वो तो हेडमास्टर की बेटी है। बाय द वे तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। चिहरू बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा दोस्त यासुतोका का इंटरेस्टेड है। इसके बाद वैंको वहाँ से और एक ज़ॉम्बी की डीवीडी उधर लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चिहरू बोलता है इसका नाम वैंको है, इसकी फैमिली एक ट्रेडिशनल टी शॉप चलाती है और ये शंका गर्ल्स एकेडमी की सेकंड ईयर की स्टूडेंट है और ये मुझसे 6 महीने बड़ी है। देन अगले सीन में चिहरू उस बिल्डिंग पर वही नुस्खे को बना रहा होता है और वो बोलता है इस किताब का एक पेज मिट गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पॉइजनस हर्ब्स की जरूरत होगा। और उस नुस्खे को बनाते हुए वो बोलता है क्या मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए, और अगर मैं बाबू को इससे ठीक न कर पाया तो मैं उसको फिर से ग्रेव में दफना दूंगा। तभी उसको फिर से वही लड़की की चलने की आवाज आती है और आज ये छतरी लेकर आई होती है और ये वही शंका एकेडमी के हेडमास्टर की बेटी है और इसका नाम शंका रिया है। और वही चिहरू खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है और वो बोलता है आज ये फिर से चिल्लाएगी। और इस बार रिया कुएं के अंदर मुंह कर कर चिल्लाती है और बोलती है क्यों क्यों मैं शंका फैमिली में पैदा हुई, मैं सभी की तरह फ्रीडम चाहती हूँ, शंका फैमिली में लड़कियों को बाहर जाना क्यों अलाउ नहीं है। वही दूसरी तरफ चिहरू खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है और वो जूस पीता है। फिर रिया बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि डैड आप रुक जाइए, प्लीज ये सब बंद कर दीजिए, मेरे न्यूड फोटोज लेकर मैं हर साल कितनी बड़ी हुई हूँ ये देखना बंद कर दीजिए। और ये सुनने के बाद चिहरू के हाथ से वो जूस का बोतल गिर जाता है और वो एकदम शॉक्ड होता है। और वही रिया भी चिहरू को देख लेती है और रिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये एनीमे पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कॉमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख कर जाना। देन अगले सीन में वो दोनों घर के अंदर होते हैं और फिर चिहरू कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी रिया चिहरू के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज जो तुमने देखा वो प्लीज किसी को मत बताना। इसमें चिहरू बोलता है कि तो मैंने पिछले दिन क्या देखा वो मैं बोल सकता हूँ। ये सुनने के बाद रिया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और वो बोलती है कि क्या तुमने मुझे पिछले दिन भी देखा था। और रिया ये भी बोलती है मैं मरना चाहती हूँ और रिबॉर्न होना चाहती हूँ किसी और इंसान में। इसमें चिहरू बोलता है कि मैं तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे जैसे अमीर लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम बहुत होती है। इसके बाद रिया चिहरू से पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर चिल्लाने के लिए आए हो। चिहरू बोलता है कि नहीं और फिर चिहरू रिया को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो मरे हुए आदमी को जिंदा बनाने का नुस्खा बना रहा है। और ये सुनने के बाद रिया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और वो बोलती है क्या ये पॉसिबल भी है। इसमें चिहरू बोलता है कि अगर ये कामयाब भी हुआ तो जो प्राणी जिंदा हुआ है तो वो एक ज़ॉम्बी ही होगा। और चिहरू ये भी बोलता है मैं सिर्फ बाबू को फिर से एक बार जिंदा देखना चाहता हूँ। और रिया चिहरू से उसका नाम पूछती है, चिहरू बोलता है कि मेरा नाम फुरोया चिहरू है। फिर रिया चिहरू से बोलती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। चिहरू बोलता है कि क्या तुम्हारे जैसे हाई क्लास लड़की ऐसा छोटा काम करेगी। रिया बोलती है कि मेरे पापा कभी भी पेट अलाउ नहीं करते और मैं हमेशा से एक पेट चाहती थी जिसके साथ मैं शावर भी कर सकूं, जिसको मैं हमेशा प्यार कर सकूं। फिर चिहरू बोलता है कि ठीक है तुम मेरे मदद कर सकती हो और तुमने तो बोला था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे। रिया बोलती है कि हाँ मैंने बोला था। इसके बाद चिहरू एक बहुत ही ज्यादा इविल सा लुक बनाता है और बोलता है इस नुस्खे को मैं बाबू के ऊपर ट्राई करने से पहले तुम्हारे ऊपर ट्राई करूंगा। और तुम भी तो मरना चाहते थे ना और कोई और बनना चाहते थे तो तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। इसके बाद चिहरू हंसता है और बोलता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और रिया जो है वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। इसके बाद चिहरू बोलता है तुम तो काफी ज्यादा इनोसेंट हो, तुम तो मेरे बातों बातों में आ भी गई, तुम तो थोड़ा लड़कों से दूरी ही बनाए रखना नहीं तो वो लड़का तुमको चीट कर देगा तुम्हारे जानने से पहले ही। रिया बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा रूड था, लेकिन अभी भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिहरू बोलता है कि सिर्फ अमीर लड़कियां इस पर प्राउड करती है। इसके बाद रिया बोलती है कि तो फुरोया तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। चिहरू बोलता है कि नहीं। इस पर रिया बोलती है कि तो तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझको टीस करने का। चिहरू बोलता है कि मुझे कोई जिंदा लड़की पर इंटरेस्ट भी नहीं है, वैसे भी मुझे तो सिर्फ ज़ॉम्बी लड़कियां ही पसंद है। और वो ये भी बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ इसको
लेकर। इसके बाद रिया खड़ी होती है और बोलती है, अगर मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँ तो तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। और रिया ये भी बोलती है, इसके बारे में सोचना, तो अभी मैं घर जा रही हूँ। फिर वो घर जाने से पहले पूछती है, तो तुम कल भी यहाँ पर आओगे है ना। और ये बोलने के बाद वो स्माइल करती है और वही फुरयाकुन बोलता है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। फिर उसके ऊपर एक बहुत ही जोर से लाइट पड़ती है और फिर से हमें रिया को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो फुरयाकुन की तरफ भी आ रही होती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप लोगों को ये एनीमे पसंद आया है तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख कर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।